Good morning, students. In class 11th, today we will discuss the geometrical meaning of angular momentum. तो अभी तक आप angular momentum पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है? Perpendicular distance into में linear momentum, यानी L को हमने note किया था, किसके इक्वल? R cross P के इक्वल, ठीक है? तो आज हम उसका geometrical meaning को find out करेंगे. तो मान लेते हैं, let a particle is rotating in xy plane. तो यहाँ पर हमने coordinate system consider कर लिया, ये x, ये y, ये z. तो z क्या होता है? हमेशा perpendicular होता है, जो x और y plane है उसके, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक मान लिया particle है at position k, जिसका position vector है r. अगर ये k से l तक move करे, तो वहाँ पर small displacement dr, ठीक है? तो dr मूव करेगा और यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r प्लस में dr, ठीक है? तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप में बनेगी. तो हम इसको क्या करेंगे? रेक्टेंगल बना देंगे. तो जाके हम पैरेललोग्राम बना दें और वहां पर पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई कर सके. तो o से m हमने एक k l के पर पैरेलल एक लाइन खींची और यहां पर o से k के पैरेलल m l को एक लाइन को ड्रा किया, ठीक है? तो यहां पर आपने इन चीजों को देख लेना कि OK है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर R है और वहाँ पर स्मॉल टाइम dt के अंदर मान लिया पार्टिकल K से L तक जाता है, तो वहाँ पर OL की वैल्यू क्या बताई थी हमने? R प्लस में dr, ठीक है? और ऐसे ही जो ट्रायंगल है वहाँ पर OK प्लस में KL, यानी OK प्लस में KL वो क्या बताएगा हमें? रिजल्टेंट OL के बारे में, ठीक है? तो वहाँ पर KL की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. OL माइनस में OK, तो ये r plus dr है, तो माइनस में ये r करोगे तो ये dr बचेगी, kl की वैल्यू, ठीक है? तो यहां पर जो एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम dt, तो जो स्मॉल टाइम dt के अंदर जो एरिया स्वेप्ट आउट होगा k से l तक जाने में, तो वो किसके इक्वल होगा? जो एरिया है अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल okl. okl कौन सा है? okl, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OKLM. तो मैंने बताया था अभी हम इसको एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, अगर उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका एरिया आ जाएगा और आपको पता है 1/2. तो यहां पर जो पैरेललोग्राम का एरिया, यहां पर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OKLM, ठीक है, ये आ गया था. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है? तो यहां पर ये फार्मूला लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं. तो यहां पर जो dA है वो किसके इक्वल है? 1/2 और बेस कितना है? r. और यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? यहां पर kl, ठीक है? अगर हम दोनों तरफ इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें dt से, तो इसको भी dt से डिवाइड कर दिया और ये इसको भी dt से, ठीक है? तो dA/dt है वहां पर किसके इक्वल होगा? 1/2 * में r क्रॉस में dr/dt. तो आपको पता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है? और हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी देखे क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम बाय में मास ऑफ द बॉडी. तो ये हम पहले रीड कर चुके हैं, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या किया? dA/dt एज इट इज इक्वल टू 1/2 r और dr/dt को क्या रख दिया? वेलोसिटी v. और वेलोसिटी v की वैल्यू क्या कर सकते हैं? p/m रख सकते हैं, बाकी एज इट इज, ठीक है? तो यहां पर dA/ में dt किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 और r क्रॉस में p, ठीक है? आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है और जो m है उसको हमने बाहर रख लिया, तो वैल्यू क्या है? 1/2m * एंगुलर मोमेंटम. तो हमें पता है कि r क्रॉस p क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम l, ठीक है? तो l एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी? ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2m ऊपर जाकर मल्टीप्लाई dA/ में dt. तो यहां पर कह सकते हैं जो dA/dt है इट इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में वो कितना एरिया स्वेप्ट आउट कर देगा, एंड इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ठीक है? तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास. यानी अभी हमने एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखा था? एल, और किसके इक्वल था? 2m * में dA / में dt,
ये हमने लिखा था। तो यहाँ से देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए गिवन एक्सिस में बी डिफाइंड एज द ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो हम इस चीज़ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। जो टॉर्क है और एंगुलर मोमेंटम है उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पोजिशन वैक्टर आर क्रॉस में लीनियर मोमेंटम पी। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड ऑफ द अबोव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, डी एल बाई डी टी किसके इक्वल होगा, इसको हम आर क्रॉस पी का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, तो डी बाई डी टी। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, डी आर बाई डी टी, ठीक है, और इनटू में क्रॉस में पी प्लस में आर क्रॉस में डी पी बाई डी टी। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर दिया। आपको पता है डी आर बाई डी टी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी वी, और चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या लिखते हैं, फोर्स। अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डी एल बाई डी टी एज इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, v क्रॉस में p प्लस में r क्रॉस में f, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस v एंड p जो वेलोसिटी है एंड लीनियर मोमेंटम p है, आर पैरेलल वेक्टर्स, अगर देखें ये क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है, यानी v क्रॉस p अगर पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में तो यहाँ पर R क्रॉस F के इक्वल बचेगा, वो उसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में फोर्स, तो वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये नहीं सॉरी टॉर्क, वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क के। तो हम ये वैल्यू अगर देखें टॉर्क के इक्वल, किसके इक्वल आएगी, डी एल बाई डी टी। तो ये जो इक्वेशन थ्री है, दस द टॉर्क ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द टाइम रेट, किसके इक्वल होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यानी ये इक्वेशन अगर देखें किसके पैरेलल है, ये टॉर्क है, अगर लीनियर में देखें फोर्स से नोट करते हैं, किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम। अगर रोटेशनल में देखेंगे फोर्स की जगह टॉर्क यूज़ करते हैं और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये उसी के पैरेलल चलती है सारी इक्वेशन। ओके, थैंक यू।